बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम में से काफी लोग मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं और कहीं मोबाइल फोन के डिब्बे पर ये लोगो मिल जाए तो काफी खुश होते हैं ये जान के कि वो जो पैसा दे रहे हैं उसमें से काफी बड़ा हिस्सा इंडिया में यूज हो रहा है, इंडिया के लोगों के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ, आपकी सोच के लिए हैट्स ऑफ करता हूँ। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये प्रोडक्ट जिस पर मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, ये क्या सच में इंडिया में बनता है? आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जो कि बाहर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हों। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था और इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में लॉन्च किए थे और इवन दोस्तों अभी भी कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी सैमसंग ने एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली या फिर प्लांट नोएडा में लॉन्च किया था। तो यहाँ पर अब ढेरों सारी कंपनीज इंडिया में अपने फोन्स बना रही हैं और फोन के ऊपर, मतलब उसके डिब्बे के ऊपर लिख रही हैं मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया। तो दोस्तों, क्या ये प्रोडक्ट सच में इंडिया में बना है? मतलब कि इसका डिब्बा, इसका चार्जर, इसकी केबल, इसके मैनुअल्स और फोन, क्या ये सच में इंडिया में बन रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप जान के काफी हैरान होंगे कि जिस प्रोडक्ट को आप मेड इन इंडिया समझ रहे थे, दोस्तों वो एक्चुअली में मेड इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल इन इंडिया है। तो यहाँ पर असेंबली करती है ये सारी कंपनीज इंडिया में, मतलब कि इस मोबाइल फोन का कोई भी पार्ट इंडिया में नहीं बनता है, बस यहाँ पर पार्ट्स को इंपोर्ट करवाया जाता है और इंडिया में उनको असेंबल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि जो कार्टन आपको मिल रहा है, जो मैनुअल आप मोबाइल फोन के डिब्बे में देख रहे हो या फिर जो एसेसरीज आप देख रहे हो, जैसे कि आपका हेडफोन हो गया, चार्जर हो गया, केबल हो गया, वो शायद इंडिया में बन रही हो, बट यहाँ पर मैं कन्फर्म नहीं हूँ। हो सकता है कि इंडिया में उसको बनाया जा रहा हो बट उसके जो पार्ट्स हैं, उसका जो पीसीबी है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसको इंपोर्ट करवाया जा रहा हो। तो यहाँ पर मैं अभी डेफिनेट नहीं हूँ। बाकी मोबाइल फोन का हर एक पार्ट, हर एक चीज अभी इंपोर्ट हो रही है, बस इंपोर्ट करवा के इनको असेंबल किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इस फोन की बात करूं जिसके डिब्बे पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो बॉडी है, इसका बैक कवर है, इसका लेंस कवर है, इसका कैमरा है, इसका कैमरे का सेंसर है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पर लगे हुए ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट्स हैं, वो सब दोस्तों इम्पोर्ट करवाए जाते हैं। इवन कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि मदरबोर्ड जिस पर कॉम्पोनेंट्स पहले से लगे हुए आ रहे हैं उसको इम्पोर्ट करवा रही है, मतलब कि कंपोनेंट्स को सेपरेटली भी इम्पोर्ट नहीं करवा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कहानी कुछ कड़वी है। हम लोगों को दोस्तों ये जान के काफी दुख होता है, जिस डिब्बे पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, उस डिब्बे के अंदर जो मेन कंपोनेंट है उसका एक भी पार्ट हमारे इंडिया में नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए, ये फोन, ये जो प्रोडक्ट है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, Xiaomi इसको बनाता है, डिब्बे में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली Xiaomi इसका कोई भी पार्ट इंडिया में नहीं बना रहा है। ऐसे दोस्तों सैमसंग हो गया, इवन जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, जोलो, ऐसी सारी कंपनीज भी इंडिया में कुछ नहीं बनाती। ये कंपनीज चाइना में अपना फोन डिजाइन करवाती हैं, मैन्युफैक्चर करवाती हैं और उनको इंपोर्ट करवाती हैं, जबकि जो Xiaomi ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाए हैं, ये पार्ट्स को इंपोर्ट करवाते हैं, मदरबोर्ड को इंपोर्ट करवाते हैं, डिजाइन जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से जो यहाँ पर उनकी बॉडी बन के आई है उसको इंपोर्ट करवाते हैं और बाद में कंपोनेंट्स को अलाइन करके, असेंबल करके फोन बना देते हैं और लोगो डाल देते हैं मेड इन इंडिया। तो एग्जैक्टली दोस्तों ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये असेंबल इन इंडिया है। तो आप दोस्तों ये जान लें, ठीक है हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश को पैसा मिल रहा है, बट दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये अभी भी मैन्युफैक्चर इन इंडिया नहीं है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कंपनीज हैं ये इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों लगा रही हैं? दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पर खुद कहा है, अगर आप इंडिया में सेटअप करते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो, तो आपको टैक्सेस में काफ़ी रियायत मिलेगी, तो ऐसे केस में आप काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हो और
जो पैसा आप दे रहे हो इंडियन गवर्नमेंट को, वो भी ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर अगर एक मोबाइल फोन असेंबल करके इंडिया में इंपोर्ट करवाया जाए तो उसकी जो MRP होगी उस पर आपको टैक्स देना होगा, जबकि इसके जो कंपोनेंट्स होंगे जो कि पूरे फोन से काफी सस्ते पड़ते हैं, मतलब कि जो मार्जिन होता है अगर उसको हटा दी जाए उससे भी सस्ते पड़ते हैं, तो ऐसे केस में जो कंपोनेंट्स आप इंपोर्ट करवा रहे हो, एक तो उस पर टैक्सेस कम है, दूसरा उसकी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू होल फोन, तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनीज का खुद फायदा है, इसलिए वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा रही हैं। और दूसरा दोस्तों, जो इंडिया में लेबर है वो काफ़ी सस्ती है, तो इसलिए दोस्तों ये कंपनीज इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, ताकि दोस्तों एक तो हमारा जो माइंड सेटअप है, हम मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, उसको वो टारगेट कर पाए, और दूसरा दोस्तों इनको अपना बेनिफिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कहानी है मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया बने हुए मोबाइल फोन्स की। तो अब अगर आप कोई मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया मोबाइल फोन को लेने जा रहे हो, तो लेने से पहले इस चीज को जरूर सोचना, जरूर देखना। ऑल्दो आप अभी भी काफी अच्छा कर रहे हो, प्रेफर कर रहे हो प्रोडक्ट्स को जो कि इंडिया में बन रहे हैं, बट दोस्तों एग्जैक्टली ये असेंबल इन इंडिया है, ना कि मेड इन इंडिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया या फिर असेंबल इन इंडिया अलग कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।